इंग्लिश बोलना हुआ आसान के आज फिर एक नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक नया वर्ड जिसका नाम है एंटरटेन। इस वर्ड को स्टूडेंट मैं थोड़ा फास्ट वे में पढ़ाऊंगा, जो कि हमें ये वर्ड बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करता है डे टू डे लाइफ में। हम जब भी थक जाते हैं तो हम गाना सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, प्रोग्राम वॉच करते हैं, कॉमेडी शो, कॉमेडी नाइट्स, राइट? और हम अपनी टायर्डनेस को, अपनी थकान को दूर करते हैं बाई एंटरटेनमेंट, राइट? तो डे टू डे लाइफ में हमारा एंटरटेनमेंट कौन करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। उसके बाद इस वर्ड से हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? वही मैं आपको बता दूंगा और बड़ी ही आसानी से समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का वर्ड एंटरटेन। एंटरटेन की बेसिक मीनिंग होती है स्टूडेंट लोगों का मन बहलाना, मनोरंजन करना। जैसा कि आपने स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, एंटरटेन मीन्स लोगों का मन बहलाना, मनोरंजन करना, दर्शकों या मेहमानों का सम्मान करना या मनोरंजन करना। अब डे टू डे लाइफ में हमारा एंटरटेनमेंट कौन से वो व्यक्ति हैं जो करते हैं, ओके? एंकर, एंकर, ब्रॉडकास्टर, कॉमेडियन, क्रिकेटर, डांसर, एंटरटेनर, जोकर, होस्ट, जगलर, म्यूजिशियन, रेडियो जॉकी, सिंगर एंड वीडियो जॉकी। दीज आर दोज पर्सन दैट एंटरटेनर्स इन डे टू डे लाइफ। एंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑल्सो, यानी स्टूडेंट ये वो लोग हैं जो हमारा डे टू डे लाइफ में एंटरटेनमेंट करते हैं, जिनको हम एक्टर, ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर मींस जो रेडियो पे, टेलीविजन पे, ओके, प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करे, राइट? रेडियो जॉकी, जिसको हम रेडियो एंकर भी कहते हैं, सिंगर हुआ, वीडियो जॉकी, राइट? यानी कि हम रेडियो ब्रॉडकास्टर, वीडियो ब्रॉडकास्टर भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कॉमेडियन, कॉमेडी करके हमारा एंटरटेनमेंट करता है। क्रिकेटर, चौवे छक्के मार के फोर्स एंड सिक्स को हिट करके हमारा एंटरटेनमेंट करता है। और जो हमारा एंटरटेनमेंट करता है स्टूडेंट, हम उसको एंटरटेनर कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल? एंटरटेनर, राइट? तो ये है स्टूडेंट, हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, बीच में ये वर्ब आ गया और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट, यानी कि हम एंटरटेनमेंट किसका करते हैं। अब तो मुझे वो जानना है। अब देखिए, एंटरटेन किसका होता है? ऑडियंस का, राइट? तो हमारा मूवी हुआ, अ मूवीज एंटरटेन ऑडियंसेस, राइट? मेरे घर मेहमान आते हैं, मैंने अपने आप को सब्जेक्ट बना लिया, आई एंटरटेन गेस्ट। गेस्ट को हम कैसे एंटरटेन करते हैं? उनको खाना खिला के, राइट? उनको लिक्विड वगैरह सर्व करके और म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं। घर पे अगर बर्थडे पार्टी होती है या कोई मैरिज फंक्शन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम उसपे गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, राइट? तो स्टूडेंट डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये बहुत ही आसान वर्ड होता है। इसकी बेसिक मीनिंग को पकड़ना है स्टूडेंट कि मनोरंजन करना, राइट? हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं और वो हमारा क्या करती है? एंटरटेनमेंट करती है, राइट? एंटरटेन से स्टूडेंट एक वर्ड बना है एंटरटेनमेंट, ये नाउन है। और एक वर्ड है स्टूडेंट एंटरटेनिंग,
इसकी एक और मीनिंग होती है इंटरेस्टिंग, यानी कि मनोरंजन करने वाला, यानी कि एंटरटेनिंग मूवी, एंटरटेनिंग डांसर, एंटरटेनिंग सिंगर, एंटरटेनिंग एक्टर. अब कपिल शर्मा क्या है? एंटरटेनिंग वीडियो एंकर, राइट? ठीक है ना, एंटरटेनिंग टीवी एंकर, होस्ट. अमिताभ बच्चन क्या है? कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करते हैं, यानी प्रस्तुत करता है. और इन द मिडिल ऑफ द प्रोग्राम, इन द मिडिल ऑफ द प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन क्या करते हैं? थोड़ा सा पब्लिक को, ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हैं, राइट? इसकी इंग्लिश में स्टूडेंट क्या मीनिंग होगी? टू अम्यूज समबडी और इंटरेस्ट देम बाय एंटरटेन का स्टूडेंट इंग्लिश में मीनिंग में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए. टू अम्यूज समबडी और इंटरेस्ट देम बाय टेलिंग जोक्स, सिंगिंग एंड डांसिंग. ओके, तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करने वाले को क्या बोलते हैं? एंटरटेनर, यानी कि परफॉर्मर, यानी एंटरटेनर को, यानी कि एंटरटेनर को परफॉर्मर भी कहा जाता है. एंटरटेनमेंट मींस परफॉर्मेंस. सेकेंड मीनिंग शो, राइट? यानी कि जैसे सर्कस शो होता है, टीवी शो होता है, रेडियो शो होता है, ओके, लाइव शो होता है, डिजिटल शो होता है, उससे हम क्या करते हैं? अपने आप को एंटरटेन करते हैं. जैसे हमारे देश के सबसे बड़े एंटरटेनर कौन है एक्टर में? अमिताभ बच्चन इज द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. रणवीर सिंह इज द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. दीपिका पादुकोण इज द बेस्ट एंटरटेनर, मींस एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. कपिल शर्मा इज द बेस्ट एंटरटेनर ऑन टीवी शोज या ऑन टीवी प्रोग्राम्स, यानी टीवी प्रोग्राम्स पर या टीवी प्रोग्राम्स के, हम ऑन की जगह ऑफ भी लगा सकते हैं, ओएफ ऑफ. ओके, जगलर, जगलर मींस मदारी, जो रोड के किनारे तमाशे करके लोगों का एंटरटेनमेंट करता है. ए आर रहमान म्यूजिशियन है, अगर वो म्यूजिक प्ले करके एंटरटेन कर रहे हैं तो हम म्यूजिशियन बोलेंगे. सिंगर सोनू निगम है, गाने गा के एंटरटेनमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सिंगर एंटरटेन्स. ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको स्टूडेंट एक वर्ड समझाया जिसको हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इस वर्ड से आप अपने आप को खूब एंटरटेन कीजिए. और कौन आपको डे टू डे लाइफ में एंटरटेनमेंट देता है स्टूडेंट? आज मैंने आपको एंटरटेन वर्ड से उस वर्ड को समझा दिया, राइट? हमारे अगर गेस्ट आते हैं तो हम उनको एंटरटेन करते हैं, कैसे? हाउ? टू गिव देम फूड एंड ड्रिंक्स, राइट? टू गिव देम फूड एंड ड्रिंक्स, ये हमारी एंटरटेन की इंग्लिश में फर्स्ट मीनिंग थी. ये सेकंड मीनिंग थी, और एक मीनिंग और मैं यहां लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, टू कंसीडर समथिंग. यानी कंसीडर समथिंग का मतलब क्या है? मन में रखना. मैंने बचपन में सपना देखा, मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, डांसर बनूंगा, एक्टर बनूंगा. तो मैंने उस आइडिया को, उस फीलिंग को अपने मन में रखा. And as I grow up, जैसे ही मैं बड़ा होता हूं, उस आइडिया को, उस फीलिंग को, उस थॉट को मैं एंटरटेन करता हूं, राइट?
तो यहां पर मन में क्या रखें हम आइडिया, आइडिया, फीलिंग, थॉट, ड्रीम, ये मन में है मेरे और मैं उसको एंटरटेन कर रहा हूं, राइट? आई एंटरटेन आइडिया ऑफ बिकमिंग एक्टर इन माई ब्रेन. आई एंटरटेन आइडिया ऑफ बिकमिंग हीरो इन माई ब्रेन. ओके, दैट when I will grow up, right? When I grow up, I will become that. तो हम अपने मन में इस तरह के आइडियाज रखते हैं और उसको हम अपने लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते हैं आइडिया को भी एंटरटेन कर रहे हैं, किसी के थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं और वो थॉट हम अपने माइंड में भी उस थॉट को यानी कि बड़ा कर रहे हैं, यानी कि उससे हम भविष्य में उस थॉट को सच बना देते हैं. तो इसलिए उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, मन में रखना, तो कंसीडर समथिंग. तो स्टूडेंट इस वर्ड को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, कनेक्ट करिएगा कि एक्टर एंटरटेन ऑडियंसेस, जगलर एंटरटेन्स पब्लिक. आई होप स्टूडेंट ये वर्ड आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा. खूब एंटरटेनमेंट कीजिएगा स्टूडेंट इस वर्ड का यूज करके. ओके, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.